गुड मॉर्निंग, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आज आपको प्याज की अगेती रुपाई बुआई होती है उसकी और पछेती बुआई इसकी संपूर्ण जानकारी देती हूँ। अब दिसंबर का मंथ चल रहा है, इसके अंदर है जो अगेती रुपाई होती है प्याज की वो स्टार्ट हो गई है। तो ये हमने प्याज की बुआई के लिए पहले पौध तैयार कर रखी है। इसको इस तरह से कोई भी जैसे खुरपा है या और कोई गहती है जो इसको फावड़ा है ऐसी कोई भी लेकर और उससे इस तरह से इसको खोद लेना चाहिए, मिट्टी से निकाल लेना चाहिए इन पूरे पौधे इनको। इस तरह से निकालने के बाद है इसकी काफ़ी मिट्टी आती है उसको थोड़ा कम कर लेना चाहिए इनको हिलाकर मिट्टी को, और फिर जहाँ भी आपको इसकी रुपाई करनी है उस मिट्टी को अच्छे से बुआई जुताई कराकर तैयार करनी चाहिए पहले। फिर उसके अंदर है अच्छे से जैसे वर्मी कंपोस्ट डालना चाहो या गोबर की गली हुई खाद है या बकरी की मिंगण है या और ये मुर्गी की बीट होती है, ऐसा कोई भी आप खाद ले सकते हो। ये ज़रूरी नहीं कि ये खाद डालो आपके पास अवेलेबल हो वही आप डाल सकते हो। और ये इस तरह से हमारे सौंफ के पौधे हैं, इसके अंदर इन पौधों के अंदर जो प्याज की पौध थी इसके अंदर सौंफ के भी पौधे उगाए हुए हैं, तो ये छोड़ देंगे इसके सौंफ के पौधे तो इनसे सौंफ तैयार हो जाएगी। ये हमने इस तरह से इसको पूरी को खोद लिया है पौध को प्याज वाली को, और हमने मिट्टी भी रेडी कर रखी है पहले से, अच्छे से क्यारी बना ली है पहले खाद वगैरह डालकर और अच्छे से उसमें बुआई जुताई करवा दी थी मिट्टी में पहले, और अब क्यारी बनाकर इसके अंदर अब ग्रो कर रहे हैं। इस तरह से एक 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 इसका जो प्लांट होता है छोटा तैयार इसको इस तरह से लेकर और एक एक पौधे को इस तरह से मिट्टी में ग्रो कर देंगे। दो पौधों के बीच की दूरी है लगभग 5 अंगुल रखनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा नज़दीक पौधे होते हैं तो इनकी मोटाई नहीं बढ़ पाती है, फिर छोटे रह जाते हैं प्याज। प्याज की साइज बढ़ाने के लिए इनको दूर दूर ग्रो करना चाहिए, लगभग 5 अंगुल, कम से कम 5 अंगुल दूरी की दूरी रहेगी तो ये प्याज की साइज है वो काफ़ी मोटी हो जाएगी। इस तरह से जितने भी दूरी में आप ग्रो करना चाहो, जैसे एक दो कैरी में ग्रो करना चाहो या एक दो बीघा में या ज़्यादा, जितना भी आप ग्रो करना चाह रहे हो उसको इसी तरह से मिट्टी को पहले अच्छे से बुआई जुताई करा कर तैयार करो, फिर खाद डालो और उसके बाद इसमें रोपाई करो, तभी आपकी प्याज है काफ़ी मोटी तैयार हो पाएगी, नहीं तो छोटी छोटी प्याज रह जाएंगी और फिर उनका भाव भी नहीं मिल पाएगा आपको। तो उसमें अच्छी खाद होगी और अच्छी मिट्टी है भुरभुरी हो जाएगी, तब भी जाकर इसके अंदर अच्छी प्याज बढ़ पाती हैं, अच्छी हो सकती है उनकी साइज। तो हम तो इसको 2-3 कैरी की पौध है हमारे पास तो इसको 2-3 कैरी के अंदर ही ग्रो करेंगे, और फिर पछेती भी हमने इसकी पौध तैयार कर रखी है वो भी देखूंगी। ये अभी अगेती पौध है जो जल्दी खुद जाएगी, इनकी खुदाई जल्दी हो जाएगी और जल्दी प्याज है खाने के लिए तैयार हो जाएंगे। यदि आपको भी जल्दी प्याज तैयार करनी है अभी ग्रो करनी है तो ये टाइम है बेस्ट है आपका, तो इसलिए अपनी जो भी ज़मीन वगैरह जहाँ भी ग्रो करना चाह रहे हो उसको अच्छे से तैयार कर लो और फिर प्याज की रुपाई इसी टाइम कर दो, तब है इसकी अगेती जो फसल तैयार होती है उसका भाव अच्छा रहता है और उस टाइम ज़्यादा प्याज आती नहीं है मार्केट के अंदर, तो आप अच्छा मुनाफा ले सकते हो जल्दी प्याज ग्रो करके। तो जिन भी किसान भाइयों को इस तरह से उसका मुनाफा चाहिए जल्दी ग्रो करना है तो ये अगेती फसल ग्रो करनी चाहिए प्याज की, जिससे आपको अच्छी प्याज की कीमत मिल सके। ये इस तरह से इतनी इतनी बड़ी पौध हो जाती है तब इसको लगाया जाता है, ज़्यादा छोटी पौध होती है उस टाइम इसको दूसरी जगह रिप्लेस कर देते हैं तो जल जाती है, तो थोड़ी बड़ी पौध हो जाए इतनी थी, ज़्यादा गहरी बड़ी हो जाती है वो भी फिर ठीक नहीं होती है, उसके जो ये ऊपर के पानी होते हैं पत्ते यही ज़्यादा घने हो जाते हैं, नीचे जो प्याज बनती है वो छोटी साइज़ की रह जाती है, इसलिए ये मीडियम साइज़ की प्याज की पौध तैयार हो तभी इनको ग्रो कर देना चाहिए। ये देखिए हमने तो मीडियम साइज़ की पौध थी उसी टाइम इसको ग्रो कर दिया है, और ये ज़्यादा ना ही तो मोटी हुई थी ये पौध और ना ही ज़्यादा छोटी है, बारीक भी नहीं है अभी, ये सही टाइम है। इस टाइम की पौध है
वो बेस्ट रहती है लगाने का। ये सही सीजन भी सही है इस टाइम का, और पौध भी हमारी एकदम परफेक्ट है लगाने लायक। तो आप भी इस तरह से इसी टाइम लगा देना, आपकी पौध तैयार हो गई है, यहाँ कहीं से खरीद कर लाना चाहते हो तो वहाँ से लाकर अभी लगा दीजिए इसको, जिससे अच्छी पैदावार मिल जाएगी आपको, अच्छी कीमत मिल जाएगी इसकी। जो पछेती ग्रो की जाती है प्याज की फसल, वो लगभग 15-20 दिन बाद ग्रो की जाती है, जो लेट तक तैयार हो पाती है। ये देखिए हमने ग्रो करने के बाद इसमें पानी चला दिया है, इस तरह से ग्रो करने के बाद है इसको इस तरह से सिंचाई कर देना चाहिए। आप इस तरह से क्यारी बनाकर उसमें सिंचाई कर सकते हो, ड्रिप सिस्टम से जो बेड बनाकर उनमें ग्रो किया है तो ड्रिप सिस्टम से भी सिंचाई कर सकते हो, और यदि बिना ड्रिप सिस्टम का है तो फुहारे से कर सकते हो इसकी सिंचाई, ज़्यादा दूर में ग्रो किया है तो। और थोड़ी दूर में है तो जिस तरह से हमने क्यारी बनाई है उस तरह से क्यारी बनाकर फिर इसके अंदर सिंचाई कर सकते हो आप आराम से। इसकी सिंचाई है लगभग 3 दिन के अंदर एक बार सिंचाई करना ज़रूरी होता है, जब छोटी अभी नई तैयार की है पौध, तब बड़ी हो जाए उसके बाद तो आप 5 दिन से 7 दिन से भी इसमें सिंचाई कर सकते हो। ये हमारे गेहूं का खेत है, ये देखिए कि इसके पास में काफ़ी बड़े बड़े गेहूं रखे हैं, कितने गहरे गेहूं रखे हैं इनमें, कितने अच्छी कलियां रखी हैं। और ये जो बाड़ी के लिए जगह होती है उसके अंदर लहसुन, गाजर, पालक, पाला रे जो भी होता है, ये सभी इसी के अंदर हमने ग्रो कर रखा है खेत के अंदर। ये जो साग सब्जी ग्रो की जाती है उसको बाड़ी बोलते हैं हम, तो ये साग सब्जी की जगह है। यहाँ पर सौंफ है, राई है, धनिया है, सब कुछ ग्रो कर रखा है। और यह पछेती पौध तैयार कर रखी है मैंने प्याज की, ये लगभग 15-20 दिन बाद हमारी रिप्लेस करने लायक हो जाएगी। तो आप भी पछेती फसल लेना चाहो तो उसके लिए थोड़े दिन बाद लगाना इसको, और इसको सर्दी से बचाने के लिए हमने इसके ऊपर छड़ियाँ रखी हैं और उसके ऊपर ये घास रख दी है, लेमन ग्रास है, इसको इस तरह से इन छड़ियों के ऊपर फैला दिया है, जिससे जो प्याज की ये तैयार की है पौध वो ठंडी से बच पाएगी, इसमें पाला का कोई प्रकोप नहीं हो पाएगा, और ये इसी तरह से अच्छी खासी बनी रहेगी। नहीं तो इसको ढकेंगे नहीं तो ये ज़्यादा ठंडी की वजह से है नष्ट हो जाएगी, जल जाती है फिर। तो इस तरह से आप भी अपने जो पौध तैयार कर रखे हैं उसको बचा सकते हो इस ये लगाकर, कोई भी घास फूस है इस तरह से उसके ऊपर डालकर। और इस तरह से हमने जो प्याज ग्रो किए थे, इस तरह के जो बीज बन तैयार करने के लिए, उनके ये डोडे आना स्टार्ट हो गए हैं, फ्लावर बोलते हैं इनको, वो जो ये फ्लावर बड़े हो जाएंगे तब इनके अंदर बीज तैयार हो जाएगा। फिर इसी बीज को मिट्टी में ग्रो करके ये पौध तैयार की जाती है, जो अभी हम ग्रो कर रहे हैं वो पौधे बीज से तैयार की गई थी, इस तरह से तैयार करके। और ये हमने और जो बाड़ियाँ ग्रो कर रखी हैं वो हैं, तो आप भी इस तरह से अपने खेत में आसानी से काफ़ी सब्जियां तैयार कर सकते हो ऑर्गेनिक तरीके से, क्योंकि इनके अंदर है यूरिया, DAP, फास्फोरस, ये जो मार्केट से रासायनिक खाद मिलते हैं वो मत डालना, ये नेचुरल तरीके से तैयार किए गए हैं फर्टिलाइज़र वगैरह, वही आप अप्लाई करना इसमें, ऑर्गेनिक तरीके से तैयार किए गए हैं, जिससे आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और आपकी फसल है वो भी अच्छी रहेगी। ये देखिए राई, ये राई होती है, इसके फ्लावरिंग का टाइम है, अब इसमें फलियाँ आना स्टार्ट हो जाएंगी, तो इसमें भी टाइम पर सिंचाई करना ज़रूरी है, नहीं तो ये इसमें ठंडी का ज़्यादा प्रकोप रहता है, फलियाँ आ भी जाती है लेकिन इसके अंदर दाना नहीं बन पाता है, इसलिए इसकी थोड़ी केयर करना ज़रूरी होता है। जैसे इसको शाम को ढक देना चाहिए, सब इसके ऊपर जो कपड़ा है वो उतार देना चाहिए, कपड़े से ढको तो, और नहीं आप किसी पेड़ वगैरह की छाया में इसको ग्रो करना चाहिए जिससे ये पाले से बच सके। और पानी सिंचाई है जो टाइम पर करोगे इसमें तो तब भी बच जाएगी ये पाले से। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन प्रेस करना जिससे आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और आप भी इस तरह से अपनी जो भी प्याज वगैरह की फसल है जल्दी अगेती करो करना चाहो तो
तो ये टाइम बेस्ट है, इसी में आप ग्रो कर देना। और पछे ती बोना चाहो तो लगभग 15-20 दिन बाद इसको ग्रो करना। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।